गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास तक हमने वेट बाय वेट परसेंट, जिसको हम मास परसेंट भी कहते हैं, का फॉर्मूला हमने सीख लिया था। क्या था पहला? डब्ल्यू क्या होता है? सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टू से अपॉन, नीचे वाला कौन सा मास था, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन? हाँ, टोटल मास यानी कि सॉल्यूशन डब्ल्यू थ्री मल्टीप्लाइड बाई 100%। कर सकते हैं, यही था। चलिए, आप लोगों को होमवर्क में सब अच्छा था, बस दो क्वेश्चन ऐसे थे जो गलत थे, उसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और करा देते हैं, ये क्या दो, ताकि क्लैरिटी आ जाए। देखिए, इफ नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। देखिए, इफ 200 ग्राम सॉल्ट इज मिक्स्ड इन 800 ग्राम वाटर, कैलकुलेट परसेंटेज कंसंट्रेशन। What we need to do is, we need to calculate percentage concentration by mass. तो चलिए देखिए, लिखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या हमारा? वेट by वेट परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि W2 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन यानी कि W3 मल्टीप्लाइड बाई 100%। सॉल्यूट कौन होते हैं? जिनको मिक्स किया जाता है। आप क्वेश्चन में देख के बता सकते हैं किसको किस में मिक्स किया जा रहा है? हाँ, सॉल्ट को वाटर में मिक्स किया जा रहा है। तो सॉल्ट क्या हमारा? सॉल्यूट कितना है? 200 ग्राम। अब बताइए हमें यहाँ क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब बताइए, अगर 200 ग्राम सॉल्ट आप 800 ग्राम पानी में मिलाएंगे तो टोटल मास कितना हो जाएगा? हाँ, दैट विल बी 1000 ग्राम। क्लियर है? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 1000 ग्राम, ये है हमारा सॉल्यूशन का मास। या फिर आप चाहें तो जो फॉर्मूला आपको सिखाया गया था, आप वो फॉर्मूला यूज कर लीजिए। क्या होता है? W1 प्लस W2 इज इक्वल टू W3। आपको मास ऑफ सॉल्वेंट W1 दिया गया है कितना? 800 ग्राम, प्लस मास ऑफ सॉल्यूट भी आपको दिया गया है कितना? 200 ग्राम, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन W3। इनको सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा? 1000 ग्राम आ जाएगा क्या? तो बस उसी चीज़ को उठा के हमने यहाँ रख दिया, मल्टीप्लाइड बाई 100%। अब देखिए, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 20। तो आंसर आ गया 20% बाई मास। क्या बोलेंगे? 20% बाई मास। कर सकते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करिए। इसे कर लीजिए 50 ग्राम और इसे कर लीजिए आप 450 ग्राम। चलिए फिर आप ट्राई करिए, वीडियो पॉज करके तुरंत करिए। हो गया, कर लिया आपने, आइए मैच करते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा। देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट इस बार कितना है? 50 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 50 प्लस 450 यानी कि 500 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100%। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 5 से इसको कैसे करिए, देखिए कितना आ जाएगा? 10% बाई मास। सही आंसर, कर लिया आपने। चलिए, इसी बेस्ड का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इफ 100 ग्राम सुगर इज मिक्स्ड इन 500 ग्राम सॉल्यूशन,
कैलकुलेट वेट बाय वेट परसेंट या परसेंटेज कंसंट्रेशन बाय मास। तो बस फॉर्मूला लगा लीजिए, क्या होगा W बाई W परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट W2 टू अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज W3 थ्री मल्टीप्लाइड बाई 100%, राइट। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 100 ग्राम शुगर है तो 100 लिखेंगे। अब बताइए मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 500 ग्राम या 600 ग्राम। हाँ गड़बड़ी यही हुई थी आपके जो पिछला होमवर्क मिला था लेक्चर में, उसमें आपने दोनों क्वेश्चन आप लोग के गलत हुए थे। सिर्फ एक ही रीज़न था, आपने इस वाले मास को इस वाले से मास में ऐड कर दिया था तब आपने सॉल्यूशन निकाला था। ऐसा नहीं करना है, आप क्वेश्चन को पढ़ा करिए। देखिए क्या लिखा है, इफ़ 100 ग्राम शुगर इज मिक्सड इन 500 ग्राम सॉल्यूशन, ये पहले ही दे रखा है, ये मास किसका है, सॉल्यूशन का है। तो बस आप यहाँ पे सिर्फ 500 ही लिखेंगे, बात समझ में आ गई मेरी, मल्टीप्लाइड बाई 100%। 00 से 00 कैंसिल, 5 को डिवाइड करिए कितना आ जाएगा 20, यानी कि आंसर आ जाएगा 20% बाई मास। कर सकते हैं, समझ में आ गया, चलिए नेक्स्ट आप ट्राई करेंगे, करिए। इसको ले लीजिए 250 ग्राम और आप इसको ले लीजिए 2 किलोग्राम, देखिए ट्राई कर पाते हैं, करिए वीडियो पॉज करिए फटाफट करिए। हो गया, देखिए आइए आंसर चेक करते हैं, फॉर्मूला वही रहने देंगे। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 250 ग्राम्स अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 2 किलोग्राम। हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, नहीं यूनिट सेम होनी चाहिए, अगर ये ग्राम में दिया है तो नीचे वाली वैल्यू भी ग्राम में होनी चाहिए। तो 2 किलोग्राम का मतलब कितना ग्राम हो जाएगा, डैट विल बी 2000 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100%। 00 से 00 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इसको डिवाइड करिए, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 12.5% बाई मास। कॉपी कर लीजिए, समझ में आ रहा है, कर सकते हैं। तो चलिए कुछ होमवर्क देते हैं, आप होमवर्क ट्राई करेंगे। पहला, इफ 40 ग्राम सॉल्ट इज मिक्स्ड इन 360 ग्राम वाटर, कैलकुलेट परसेंटेज कंसंट्रेशन बाय मास। हम सिर्फ इसको W बाय W परसेंट लिख रहे हैं ना, इसका कंप्लीट नेम क्या होगा, परसेंटेज कंसंट्रेशन बाय मास। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, इफ 500 ग्राम शुगर, यहाँ पे शुगर है ना, स्पेलिंग लिख लीजिएगा SUGAR, इज मिक्स्ड इन कितना लेंगे इस बार, 2.5 किलोग्राम, सही रहेगा, नहीं 2.5 नहीं, इसको 1.5 कर लीजिए, 1.5 किलोग्राम वाटर, कैलकुलेट परसेंटेज कंसंट्रेशन बाय मास, यानी कि W बाय W परसेंट। ये हो गए दो क्वेश्चन। आइए देखिए थर्ड क्वेश्चन, इफ 10 ग्राम सॉल्ट इज मिक्स्ड इन
200 ग्राम सॉल्यूशन, कैलकुलेट परसेंटेज कंसंट्रेशन बाय मास या डब्लू बाय डब्लू परसेंट लिख लीजिए। ये हो गया सी। अब बात करते हैं डी। इफ टू हंड्रेड ग्राम शुगर इज प्रेजेंट इन 200 ग्राम शुगर इज प्रेजेंट इन 5 किलोग्राम सॉल्यूशन, व्हाट यू नीड टू डू इज कैलकुलेट द परसेंटेज कंसंट्रेशन बाय मास, यानी कैलकुलेट वेट बाय वेट परसेंट। तो ये चार क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेंगे, आप चारों क्वेश्चन ट्राई करेंगे। उम्मीद है सब आसान है, आप कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इनके आंसर डिस्कस करेंगे और फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।